आज की वीडियो में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ए तथा बी ए कार्य को क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, ए उसे कार्य किसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, 6 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को कितने में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ए कितने दिन करने के लिए कह रहा है, 6 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ से 6 लिख, जो बी है उसी कार्य को कितने करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ से लिख लिए, बी कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब करना है कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जैसे आप इन दोनों का एलसीएम ले, आपको क्या पता चलेगा, टोटल कार्य कितना आपको ये पता चलेगा। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, टोटल कार्य कितना आपको ये पता चलेगा। एलसीएम लेने के बाद करना है कि आपको इससे इसमें क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। इससे भाग देंगे भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि एक दिन कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा, और जो बी है एक दिन कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा। तो प्रश्न पूछा है कि दोनों मिलकर ना, अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, और करना कितना, 12। इससे इसमें भाग दिया क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अर्थात आप बता सकते कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समाप्त कर लेंगे, 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। क्या कहा गया है, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, जबकि हमको ये पता है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में कर रहे हैं, 12 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो प्रश्न में आपसे जानना क्या चाह रहे हैं, अगर टोटल काम है किसके, बी द्वारा कर रहा हूं, तो बी उस कार्य को कितने में करेगा, इस क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले जो कंडीशन देगी आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप सबसे पहले यहाँ पे ए लिख लीजिए और ये बी लिख लीजिए। क्या कहा गया है, एक ही कार्य क्षमता बी से कितनी है, 2 गुनी है। अगर मैं मान लो बी एक काम करेगा तो ये तब तक कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा। इसकी कार्य क्षमता क्या, बी से 2 गुनी है। आप यहां से लिख लिए कि कार्य क्षमता, ठीक है, आप यहां से क्या करिए, कार्य क्षमता आप लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, दोनों मिलकर एक कार्य को कितने करने के लिए कह रहे हैं, 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर यहां से दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, और कितने दिन तक साथ साथ काम किए लोग, यानी 12 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो अगर एक दिन में 3 काम करें तो 12 दिन में कितना काम किया, 36। अर्थात आप बता सकते कि टोटल कार्य कितना हो गया, 36। इसका क्या करना, आपको इसमें गुणा कर लेंगे। अगर एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, 12 दिन में, तो 12 कितना हो गया, 36 हो गया। हमको ये पता चलिए कि टोटल कार्य कितना है, 36 कार्य, टोटल कार्य हमको पता चल गया। तो प्रश्न में पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इस क्वेश्चन ये पूछे। अगर ये टोटल काम मैं किसके द्वारा कराऊं, बी के द्वारा कराऊं, तो बी से कितने समाप्त करेगा, इस क्वेश्चन यही पूछा गया। ठीक है, जबकि हमको ये पता है कि बी एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा, बी एक दिन में कितना काम करा, 1 काम करा, और करना कितना है, 36। इससे क्या करें, इसमें भाग दिया आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या करना, आपको 36 में भाग दिया आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 36 बार जाएगी। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि बी उस कार्य को कितने में समाप्त कर लेगा, 36 दिन में समाप्त कर लेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, मीन्स कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार को पढ़ के फिर से सुना दे रहा हूं। ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। फिर क्या कंडीशन है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। आप यहां से लिख लीजिए, आप यहां से लिख लीजिए, बी हो गया और ये ई हो गया। जो बी की कार्य क्षमता हो गया ए से 60% अधिक है। अगर हम लोग मान ले जो जो भी ए की कार्य क्षमता होगी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। ए की जो भी कार्य क्षमता होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी।
जो बी की कार्य क्षमता इससे कितना 60% अधिक है, कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 160%। आप यहां से लिख लीजिए किसकी बात हो रही, कार्य क्षमता की बात हो रही, ठीक है, कार्य क्षमता। अब करना है कि इन दोनों के बीच में रेशियो लगा दी, तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में न्यूनतम फॉर्म लगता है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए 20 से ये भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, तो काट के हम लोग छोटा कर दे रहे हैं। अगर आप इससे काटेंगे 20 से तो कितने में कटिए, ये 20/25 हो जाएगा, ये 20/25 हो गया। अगर आप इससे काटेंगे तो 8 बार में ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगी, 8 बार में कट जाएगा। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जो ए है एक दिन में ए कार्य को कितने दिन कर रहा है, 12 दिन में कर सकता है, जबकि हमको ये पता चल गया कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 12 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 12/25 कर सकते हैं, आपको टोटल कार्य पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें कहा क्या गया, ए कार्य को 12 दिन में क्या कर सकता है, कर सकता है, यानी फिनिश कर सकता है, कार्य को समाप्त कर सकता है, जबकि हमको ये पता चल गया कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12/25 कितना काम किया होगा, 60 काम, हमको क्या पता चल गया, टोटल कार्य पता चल गया, ठीक है। अगर टोटल कार्य पता चल गया तो प्रश्न पूछा कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, इस क्वेश्चन ये पूछे, अगर ये टोटल काम मैं किससे कराऊं, बी से कराऊं, तो बी से कितने दिन समाप्त करेगा, इस क्वेश्चन ये पूछा गया, जबकि हमको ये पता है कि बी एक दिन कितना काम करा, 8 काम करा, और करना कितना, इतना। आप क्या करें, इससे इसमें भाग देंगे, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 8/56 हो गया, और बचा कितना, 4, 4 में 8 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये कट के छोटा रूप हो जाएगी नहीं, 4 × 4 हो गया और 4 × 2 = 8 हो गया, कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, ये इसका क्या गया आंसर आ गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि जो बी है उसी कार्य को कितने समाप्त कर लेगा, 7/1/2 दिन में समाप्त कर लेगा, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूँ, ठीक है, हम फिर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर ये मान लो कोई कार्य है, अगर ये कोई कार्य है, ये कार्य मैं किससे कराऊं, 8 पुरुष या 12 लड़के से कराऊं, तो कितने करने के लिए कह रहे हैं, 16 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप यहां से लिख लीजिए, अगर ये टोटल काम किसके द्वारा कराऊं, 8 पुरुष या फिर किसके द्वारा कराऊं, 12 लड़के के द्वारा कराऊं, तो ये लोग इसे कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं, 16 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये टोटल काम किसके द्वारा कराऊं, 8 पुरुष के द्वारा कराऊं, तो कितने दिन करेंगे, 16 दिन में करेंगे। अगर यही टोटल काम किसके द्वारा कराऊं, 12 लड़के के द्वारा कराऊं, तो ये लोग भी इसे कितने दिन करेंगे, 16 दिन में करेंगे। तो प्रश्न पूछा कि आपसे इस कार्य को क्या कहा गया, 12 पुरुष और 6 लड़के लगा दिए इस कार्य में, तो इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछा गया। आप यहां से लिख लीजिए कि 12 पुरुष प्लस 6 लड़के, 12 पुरुष प्लस 6 लड़के, अगर इस कार्य में क्या कर दिए, 12 पुरुष और 6 लड़के लगा दिया जाए, तो ये कार्य कितने दिन समाप्त होगा, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको फिगर बनाने के लिए समझाया, ठीक है, ये फिगर मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए बनाया, ठीक है, लेकिन आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करिए। करना कि आप यहां से क्या करिए, इसके बराबर लिख लिए, ठीक है, यहां से क्या करना, आप यहां से लिख लिए 8 पुरुष बराबर कितना हो गया, ये 12 लड़के, ठीक है, ये आपस में क्या बराबर, आप यहां से क्या करें, इनको बराबर कर लिए। अब कि यहां से कट के छोटा हो गया, काट के छोटा कर, यहां से कितनी आगे निकलिएगा, ये 4 × 8 हो गया, और ये कितना हो जाए, 4 × 3 = 12 हो जाएगी, 4 × 3 = कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि जितना 2 पुरुष काम करें, अगर उसके 3 लड़के लगाए, तो इनके बराबर काम करेंगे। तो प्रश्न पूछा कि आपसे 12 पुरुष और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने समाप्त करेंगे, तो करना कि आपको दोनों को क्या करिए, आपको एक में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे देखिए पुरुष है और ये लड़का है, तो दोनों यूनिट क्या करना, आपको एक में कन्वर्ट करना, या तो सभी को पुरुष बना लीजिए या सभी को लड़के बना लीजिए, ठीक है, तो जो आपको आसान लगे आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए उसमें, ठीक है। हम करें कि यहाँ से लड़के बराबर कितना पुरुष रख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ चाहिए कितना, 3 लड़के बराबर कितना, 2 पुरुष है, तो यहाँ चाहिए मुझे कितना, 6 लड़के, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, तो 2 से इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा, हमको यहाँ से कितना मिल गया, 6 लड़के बराबर कितना हो गया, 4 पुरुष हो गया, तो जहाँ पे 6 लड़का इसका कितना रख सकते हैं, आप 4 पुरुष रख सकते हैं, 4 पुरुष क्या कर सकते हैं, रख सकते, अब कि ये भी पुरुष ने और ये भी पुरुष ने, तो कुल कितना हो जाएगा, यहाँ से कुल कितना हो जाएगा, 16 पुरुष। मान लें कि 16 पुरुष इस कार्य को कितने में करेंगे, x दिन में करेंगे, 16 पुरुष इस कार्य को कितने में करेंगे, x दिन में करेंगे, तो आप यहाँ से लिख लिए 16 × कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। नीचे मैंने क्या किया, सभी को पुरुष में कन्वर्ट किया, तो ऊपर वाला क्या करना, आपको पुरुष वाला लेना है, ठीक है, पुरुष वाला आपको लेना है।
आठ पुरुष इस कार्य को कितने कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। नीचे मैंने क्या कर लिया, सभी को पुरुष में बना लिया, ठीक है, सभी को क्या कर दिया, पुरुष में कन्वर्ट कर लिया। तो ऊपर भी क्या करना, आपको पुरुष वाला ही लेना है। आठ पुरुष इस कार्य को कितने करने के लिए कह रहे हैं, 16 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप यहां से क्या करें, इनको बराबर, अगर 16 से 16 कट गया तो यहां से बचा कितना, एक्स बराबर कितना हो गया आपका 8 दिन, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि इस कार्य को अगर इस कार्य में क्या कर दीजिए, 12 पुरुष और 6 लड़के लगा दिया जाए तो ये लोग इससे कितने समाप्त कर लेंगे, 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच करना, ठीक है। ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपको करना कि यहां से आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या है, अब यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करें, ठीक है, हम फिगर यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या इसे डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ से क्या, 10 आदमी बराबर कितना लड़के हो जाएंगे, 18 लड़के हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख लिए कि 10 आदमी बराबर कितना लड़के, 18 लड़के, ठीक है। अब देखिए काट के छोटा हो रहा है क्या, काट के छोटा कर लिए, यहाँ से 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये 2 × 5 = 10 हो गया। 5 आदमी बराबर कितना, ये दोनों कितना हो गया, 18, ठीक है, कट के इतना आपको मिलेगा। अब की करना क्या, सबसे पहले पूछा कि यहां से देखिए क्या पूछा, 15 आदमी और 33 लड़के उससे दुगने कार्य को कितने दिन करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछे। क्या कहा गया, अगर जो भी कार्य इससे दुगना कार्य ले, इससे दुगना कार्य ले लिया है तो 15 आदमी और 33 लड़के इससे दुगने कार्य को कितने दिन करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा। तो करना क्या, आपको क्या कर, यहां से सभी को एक में कन्वर्ट कर लिए, या तो सभी को लड़के बना लीजिए, या तो सभी क्या कर लीजिए, सभी को आदमी बना लिए, ठीक है। हम लोग करें क्या, सभी को लड़के बना ले रहे, ठीक है, सभी को क्या कर दिया, लड़के बना लिया ले। यहाँ पे देखिए 15 आदमी है और यहाँ पे कितना, 5 आदमी है। 15 आदमी करने के लिए इसमें कितने से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं। अगर 3 से मैंने इधर गुणा किया तो यहाँ इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये लोग बराबर होंगे आपस में। अब ये करना है कि इन दोनों का गुणा कर ले, 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27, यानी कितना लड़का मिल जाएगा, 15 आदमी बराबर कितने लड़के हो गए, 27 लड़के। तो आप इसके क्या कर सकते हैं, कितने लड़के रख सकते हैं, यहाँ से 27 लड़के रख सकते, और पहले से कितने, 33 लड़के हैं। तो करना क्या, इन दोनों को जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 लड़के मिलेंगे, कितना मिल जाएगा, 60 लड़के मिल जाएंगे। हम लोग मान लें कि 60 लड़के इस कार्य को कितने में करेंगे, एक्स दिन में करेंगे। 60 लड़के इस कार्य को कितने में करेंगे, एक्स दिन में करेंगे। आप यहां से क्या करें, एक्स दिन लेंगे। लेकिन ऊपर हमको पता है कि 18 लड़के इस कार्य को कितने में करने के लिए कह रहे हैं, 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। 18 लड़के इस कार्य को कितने में करने के लिए कह रहे हैं, 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप यहां से लिख लिए 18 × कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब कि यहां से कट रहा है, काट के हम लोग छोटा कर लिए, यहां से कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60 हो गया, ठीक है। अब यहां से बच्चा कितना, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आप करने के इसे इसमें भाग दे, अगर आप भाग दें 4 × 16 हो गया, 4 × 16 और बच्चा कितना, 4 × 16 और बच्चा कितना, 2 में 4 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन करके छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 15 आदमी और 33 लड़के इसी कार्य को करवाए तो कितने दिन करेंगे, इतने दिन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 15 आदमी और 33 लड़के उससे दुगने कार्य को, ये जो लोग काम कर रहे थे इससे क्या कर लिए, दोगुना काम ले लिया, इससे क्या कर दिया मैंने, दोगुना काम ले लिया। अगर दोगुना काम ले लिया मैंने तो दोगुना तो समय भी तो लगेगा, इनको क्या लग जाएगा, दोगुना समय लग जाएगा। अगर इनके द्वारा यही काम समाप्त कराओ तो कितने दिन कर लेंगे, ये लोग 4.5 दिन में समाप्त कर लेंगे। लेकिन प्रश्न क्या कहा, इससे दोगुना कार्य, इससे अगर दोगुना कार्य मैंने ले लिया तो दोगुना समय भी तो लगेगा, तो कितना दिन लग जाएगा इनको, 9 दिन लग जाएगा। इसका डबल कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 15 आदमी और 33 लड़के उससे दुगने कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे, 9 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच कर रहा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 आदमी या 24 लड़के एक कार्य को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से दिया क्या, 12 आदमी बराबर कितना दिया है, 24 लड़के दिया गया। अगर यहाँ से काट के छोटा कर लो तो 12 × 12 हो गया और 12 × 2 = 24 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक आदमी बराबर कितने लड़के मिल जाएंगे, 2 लड़के आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
यानी कहने का मतलब ये कि जितना एक आदमी काम कर रहा है अगर उसके दो लड़के लगा दिए तो इनके बराबर ये काम करेंगे। फिर क्या कहा गया है कि 15 आदमी और 6 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो करना क्या आपको दोनों को एक में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, या तो सभी को आदमी बना लीजिए या तो सभी को लड़के बना लीजिए, ठीक है, जो आपको आसान लगे आप उसे बना लीजिए, ठीक है। तो अगर करें कि हम लोग क्या करें, सभी को आदमी बना ले, ठीक है, तो करना कि यहां से अगर मुझे 6 लड़के करना तो यहां से 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 6 मिल जाएगा, तो 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 6 लड़के बराबर कितना आदमी हो गया, 3 आदमी हो गया। तो जहां पे 6 लड़के है इसे कितना रख सकते हैं लोग, 3 आदमी रख सकते हैं, कितना 3 आदमी आप यहां से रख सकते हैं। तो पहले से 15 आदमी और इसके कितना 3 आदमी, तो 15 3 कितना हो गया 18 आदमी हो गए, ठीक है, कुल कितना आदमी हो गए 18 आदमी। मान ले कि 18 आदमी उस कार्य को कितने में समाप्त करेंगे, x दिन में समाप्त करेंगे, लेकिन ऊपर हमको पता है कि 12 आदमी उस कार्य को कितने में करने के लिए कह रहे हैं, 6-6 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां से लिख लीजिए, यहां से क्या करना 12 × 6-6 करना, ठीक है, यहां पे आप जिसमें कन्वर्ट करेंगे ऊपर वाला आपको यही लेना, ठीक है। अगर आप सभी के लड़के में कन्वर्ट करें तो आपको क्या करना, तब लड़का वाला आपको लेना होगा, लेकिन मैंने क्या किया सभी को आदमी में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए मैंने क्या करना यहां से आदमी वाला ले रहा हूं, ठीक है। 12 आदमी इस कार्य कितने करने के लिए कह रहे हैं, 6-6 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, तो 12 × कितना हो गया 6-6 हो गया। अब करना कि इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या जाएगा आंसर आएगा, क्योंकि 6 से ये भी कटेगा 6 से ये भी कटेगा, काट के छोटा कर ले रहे हैं, यहां से 6 × 12 हो गया और 6 × 18, इसको यहां से डिवाइड कर दो 3 × 6 हो गया और ये 3 × 6 हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, अगर इन दोनों का गुणा कर लें कितना मिल जाएगा 44 मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 15 आदमी और 6 लड़के उसी कार्य को कितने में समाप्त कर लेंगे, 44 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, किसी कार्य को एक पुरुष या दो स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, उसी कार्य को एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पे फिगर बना सकते हैं लेकिन हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट से सॉल्व करें। यहां से कहा कि एक पुरुष बराबर कितनी स्त्री है, 2 स्त्री है, और इन सभी के बराबर कितने 3 लड़के। आप यहां से लिख लिए कि एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं, एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं और बराबर कितने 3 लड़के। आप यहां से लिख लिए बराबर 3 लड़के। अब करना कि आपको यहां से क्या करी, पूछा कि आपसे एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने में करेंगे, तो करना कि आपको सभी के एक में कन्वर्ट करना हो, सभी को क्या करना, आपको एक में कन्वर्ट करना, या तो सभी को पुरुष बना लीजिए या तो सभी को लड़का बना लीजिए या तो सभी को महिला में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सभी को लड़के में कन्वर्ट कर ले, सभी को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, लड़के में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि एक पुरुष बराबर कितने लड़का, 3 लड़का, जहां पे एक पुरुष है अभी से कितना रख सकते हैं, 3 लड़का रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते इसके। फिर क्या कहा गया कि 2 महिला बराबर कितने लड़के हो गए, 3 लड़के, अगर 2 महिला बराबर इतना है तो एक महिला बराबर कितना हो जाएगा लड़का, आप इससे क्या करें, इसमें भाग दीजिए, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये आपका इसी तरह से आपको मिलेगा, यानी कि एक महिला बराबर कितने लड़के आ गए, 3/2 लड़के आ गए, एक महिला बराबर कितने लड़के आ गए, 3/2 आ गए। आप यहां से लिख लिए कि अगर आप इसे लड़के रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3/2 लड़के, 3/2 लड़के आपके मिले, और पहले से कितना 1 लड़का है। तो करना कि आप इन सभी को जोड़ लीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने मिल, यहां से कितना 1 लड़का पहले से, तो 3/1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 लड़के हो गए। अब 4 हो गया, अब इसमें कितना जोड़ना है, 3/2 जोड़ना है। अगर आप यहां से जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 3 कितना हो गया 11, 11/2 कितना हो जाएगा 2 लड़के, ठीक है, 11/2 लड़के। मान ले कि 11/2 लड़के इस कार्य को कितने करेंगे, उसी कार्य को कितने करेंगे, 11/2 लड़के उसी कार्य को कितने करेंगे, x दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप यहां से लिख लिए x दिन में समाप्त करेंगे, इतना क्लियर है। लेकिन हमको ये पता है कि मैंने क्या करी, नीचे सभी को लड़के में कन्वर्ट कर लिया है, मुझे क्या करना, ऊपर वाला लड़का वाला लेना है, तो 3 लड़के उसी कार्य को कितने करने के लिए कह रहे हैं, 88 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। आप यहां से लिख लिए 3 × कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। यहां से ये कट जाएगा, काट के छोटा कर लिए, 8/12 में ये कट जाएगा। अब यहां से 8 × 3 = 24 हो गया और 24 दिनों कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 3 में गुणा करेंगे तो 24 दिनों कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। आप यहां से लिख लिए कितना आ गया 48 दिन आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया।
तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।